हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल न्यूमेरिकल ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। इस चैनल के थ्रू हम लोग बोर्ड के और जेई और नीट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे आप लोगों को कंपटीशन क्वालिफाई करने में, बीट करने में हेल्प मिल सके, और जो भी क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के माध्यम से डाल सकते हैं, जिसको मैं पिकअप करके उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूंगा, आपको एक्सप्लेन कर सकूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने पहला क्वेश्चन लिया है चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आइदर बोर्ड के पर्सपेक्टिव से या जेई और नीट के भी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जेई या नीट में कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर फोर फ्रॉम दिस चैप्टर। यहां से कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है जो आईआईटी जो अभी जेई है 2001 में आया था। ये द वेव लेंथ एसोसिएटेड विद अ गोल्फ बॉल वेइंग 200 ग्राम एंड मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर आवर इज ऑफ द ऑर्डर 10^-10 meter, 10^-20 meter, 10^-30 meter, 10^-40 meter। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इन सब क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, देखते हैं इसमें। सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन दिया रहता है हमको ये देखना रहता है हमको इसमें कौन कौन सा डेटा दे रखा है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दे रखी है और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या है, उसके बाद हम कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन वी कैन डिसाइड। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है। इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एम है इज इक्वल टू 200 ग्राम, 0.2 kg। हमारे पास स्पीड है v है इज इक्वल टू 5 mph इज इक्वल टू 5/3600 meter per second, पर ये मीटर है, मीटर पर आवर है। तो हमारे पास दो फैक्टर्स जो है यहां पे दे रखे हैं। अब ये पूछ रहा है वेवलेंथ, वेवलेंथ अगर इस क्वेश्चन में पूछ रहा है तो हम लोग ये पहले देखेंगे कि कौन सा ऐसा फार्मूला है जो वेवलेंथ और मूविंग ऑब्जेक्ट के पार्टिकल, मूविंग ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी और मास को रिलेट करता है। तो अगर हम ये देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे पास कौन सा फार्मूला है, डी ब्रोगली का, जिसमें उन्होंने बताया है कि वेव नेचर ऑफ पार्टिकल क्या होता है। अगर पार्टिकल वी स्पीड से चल रहा है तो वो वेव क्रिएट करता है, और वेव के पास वेवलेंथ भी होती है, फ्रीक्वेंसी भी होती है, एम्पलीट्यूड भी होता है। यहाँ पे उसी वेवलेंथ की बात की जा रही है कि जो पार्टिकल अगर वी स्पीड से एम मास का पार्टिकल चल रहा है तो उसमें कौन सा जो है कितने वेवलेंथ का जो है वेव क्रिएट होगी। तो उसके लिए डी ब्रोगली ने फॉर्मूला दिया है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। यहाँ पे एच प्लैंक कॉन्स्टेंट है, लैम्डा वेवलेंथ है जो क्रिएट होता है पार्टिकल के चलने पर, एम उसका पार्टिकल का मास है और वी वेलोसिटी या स्पीड है जिस स्पीड से पार्टिकल चल रहा है। तो यहाँ पे हमको एम ऑलरेडी दे रखा है, वी भी दे रखा है, एच हमको पता है ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्योंकि एच कॉन्स्टेंट है एच हमको पता है, एच इक्वल टू क्या है 6.626 × 10^-34 J/s। लैम्डा हमको पता करना है, लैम्डा इज द वेवलेंथ, यही हमको पता करना है। अब हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू इस फार्मूले में हम रख देते हैं। वैल्यूज रखने से पहले एक बात हमको ध्यान रखना है कि जिस यूनिट में हम किसी एक की वैल्यू रखेंगे उसी यूनिट में हम सारी चीजों की वैल्यू रखेंगे, सारे क्वांटिटीज की वैल्यू रखेंगे, आइदर इट इज मास और इट इज वेलोसिटी। तो अगर हम प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 × 10^-34 J/s लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम एमकेएस में रख रहे हैं, इसको रख रहे हैं ना, एमकेएस में अगर रख रहे हैं तो यहाँ पे हमको मास को भी किलोग्राम में रखना है एंड वेलोसिटी को भी मीटर पर सेकंड में रखना है। तो
आइए देखते हैं लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू कितनी आएगी 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन एम की वैल्यू कितनी है 0.2 kg इंटू वी की वैल्यू कितना है 5/3600 m/s। ना और को हमने सेकंड में चेंज किया है। अब इसकी वैल्यू आगे हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा 6.626 इंटू 10^-34 इंटू ये 36 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 3600 अपॉन ये 5 × 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेमडा को हम फिर से आगे इवेल्युएट करेंगे, 6.626 इंटू 10^-34 इस 3600 को हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10^3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देख सकते हैं। उसके बाद लेमडा इक्वल टू क्या होगा 6.626 इंटू 3.6 इंटू 10^-31 ये -34 है, ये 3 है, दोनों प्लस हो जाएंगे तो बचेगा क्या -31। आगे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमको मिलता है इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा 13.8596 इंटू 10^-31। इसको हम आगे लिख सकते हैं 1.3 × 1.3859 6 इंटू 10^-30। यहाँ पे हम देख रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या है, इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर कितना रहा है 10^-30, देन द आंसर विल बी लैम्डा इक्वल टू लैम्डा जो है लैम्डा का जो ऑर्डर है 10^-30 है, तो द आंसर विल बी सी विल बी द आंसर। ये दोस्तों ये क्वेश्चन IIT 2001 में आया था और बहुत ही ज्यादा टफ नहीं है, बट हाँ अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए हम अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, हो सकता है वो NCERT का हो, हम NCERT भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन लेंगे उसको हर चैप्टर से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के। तो आगे के इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।